नमस्कार दोस्तों, योगेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हुए हैं। जो मध्य प्रदेश में बहुत समय से वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो आज हमारी वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में ये वैकेंसी हमें देखने को मिलती हैं, और जिसमें बहुत सारी वैकेंसी आपको लेटेस्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3 और हमारा सिक्योरिटी गार्ड, सभी के लिए वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं। जो भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, CPCT की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं, जिनको हम 1x1 करके देखेंगे। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है हमारी, ये मध्य प्रदेश विधानसभा में सचिवालय में वैकेंसी निकली हुई हैं, जहां पर इस वैकेंसीज में 10 तारीख से, 10 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और इसमें आपको सहायक ग्रेड 3 जिसमें आपको टोटल 40 पोस्ट देखने को मिलेंगी, और स्टेनोटाइपिस्ट जिसकी हमें 2 पोस्ट देखने को मिलेंगी, और सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जिसकी हमें 13 पोस्ट देखने को मिलेंगे। टोटल इसमें देखा जाए तो इसमें 55 वैकेंसी निकली हुई हैं, जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी हम देखते हैं कि हमारे पास सहायक ग्रेड 3 में हमारे पास कौन कौन सी योग्यता मांगी गई है, जिससे हम फॉर्म को अप्लाई कर पाए। तो देखिए, यदि हम यहाँ पर इसका हम देख लेते हैं कि यहाँ इसकी फॉर्म की जो प्रारंभ तिथि है, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है, वो हमारे 11 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, और आवेदन भरने और पंजीयन की अंतिम तिथि वो हमारी 10 नवंबर है। 11 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 10 नवंबर को इस फॉर्म की लास्ट डेट है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022 को हम ऑनलाइन जो भी पेमेंट है वो हम कर सकते हैं इसका, और आवेदन जो सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 10 तारीख है। 10 नवंबर को हम फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट है हमारी। 11 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और सभी को हम देखते हैं इसमें कि इसमें योग्यता हमारी क्या क्या मांगी गई है, कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं और कौन से बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इन सभी को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सहायक ग्रेड थ्री की 40 पोस्ट है। कितनी है? 40 पोस्ट है। इसका जो वेतनमान है वो 19,500 से 62,000, और लेवल फोर्थ का आपका ग्रेड पे इस पर लगा हुआ है। इसको 3 साल की परीक्षा अवधि के लिए रखा गया है, 3 साल की परीक्षा अवधि के लिए रखा गया है। इसकी जो योग्यता है, इसमें क्या मांगा गया है, तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, आपके पास 12th होना चाहिए, या फिर हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, या फिर हायर सेकेंडरी होना चाहिए। इसके साथ में यहाँ पर दिया हुआ है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपका DCA भी चलेगा और यहाँ पर PGDCA भी चलेगा। इसके साथ में MAP IT से CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए, आपके पास जो CPCT का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई है, वो भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये हमारे पास सहायक ग्रेड की योग्यता थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट। तो स्टेनोटाइपिस्ट में हमें 2 वैकेंसी देखने को मिलती हैं, दोस्तों। इसमें आपका सबसे पहले तो आपका 12th पास होना चाहिए, या फिर आपका 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं, ट्वेल्थ ये सेम है जो स्टैंडर्ड हाई ग्रेड में था, वो इसमें भी है। 1 साल का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और CPCT का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर स्टेनो की वैकेंसी है, तो आपके पास स्टेनो का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेनो का सर्टिफिकेट यहाँ पर हिंदी से मांगा गया, हिंदी स्टेनोग्राफी, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी, यहाँ पर 80 की स्पीड आपकी मांगी गई है, 80 में आपका क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर 5th आपका रहेगा, कंप्यूटर में 5 मिनट 80 शब्द
प्रति मिनट के 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा। 5 मिनट में आपकी 80 की स्पीड से 400 शब्दों का आपको क्या डिक्टेशन दिया जाएगा, फिर उस डिक्टेशन को 25 मिनट की अवधि में टाइप करना होगा। उस डिक्टेशन को हमें 25 मिनट की अवधि में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, टाइप करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास किसमें है, ये हमारे स्टेनोटाइपिस्ट में। और यहाँ पर एक और दिया हुआ है अंग्रेजी टंकण परीक्षा, यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग आपको करना पड़ेगा। 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 150 शब्दों की होगी, जो क्या रहेगी, ऐच्छिक रहेगी, ऑप्शनल रहेगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तीसरी हमारी जो पोस्ट है वो है हमारी सिक्योरिटी गार्ड की। किसकी, सिक्योरिटी गार्ड की। तो सिक्योरिटी गार्ड में हमारे पास वही मान्यता है, लेकिन अब इसमें मोस्टली जो हम देखते हैं कि इसका परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा, इसमें कोई भी आपका लेंथी पेपर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें केवल आपको 2 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। और वह आपका परीक्षा का इसमें यो क्या पैटर्न होने वाला है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थियों का चयन निम्न अनुसार किया जाएगा। चयन हेतु ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा आपका, और टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 अंक के होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे आपके और 50 मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इस 50 मार्क्स में हमें क्या होगा, उसके बाद पेपर के बाद 50 मार्क्स में हमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान। यहाँ पर सामान्य ज्ञान आपका 25 नंबर का होने वाला है और कंप्यूटर भी आपका 25 नंबर का होने वाला है। और जो दोनों ही सब्जेक्ट क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल्स होते हैं। कुछ भी आपको ना तो इसमें मैथ पढ़ना है, ना आपको रीजनिंग पढ़ना है, ना आपको जीएस पढ़ना है। यहाँ पर हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर पेपर सिंपल है, लेकिन पेपर इतना सिंपल नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर में आपके यहाँ से एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। क्योंकि यदि यहाँ पर पेपर सिंपल दे दिया तो सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जीके, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपको करंट अफेयर्स का भी देखने को मिलेगा, जो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। और कंप्यूटर में आपका एमएस ऑफिस से बहुत ज़्यादा कवर करेगा, और इसके जो भी टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इसमें कवर होंगे। लेकिन एडवांस लेवल पर आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा, रहेगा फंडामेंटल, लेकिन फंडामेंटल में भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको इसको सिंपल नहीं समझना है, पेपर यहाँ पर टफ भी आ सकता है और सिंपल भी आ सकता है, हमें अपनी तैयारी को बेहतर करना है। अब यहाँ पर पेपर होने के बाद में यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पर आपसे कौशल परीक्षा होगी, आपसे क्या होगा, टाइपिंग परीक्षा होगी, जो आपकी 50 अंक की होने वाली है। टाइपिंग परीक्षा होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, जो 15 अंकों का होगा। अब टोटल आपकी जो मेरिट बनेगी वो 50 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 50 नंबर का आपकी कौशल परीक्षा रहेगी और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। टोटल आपका 115 नंबर से आपका क्या बनेगी दोस्तों, मेरिट बनेगी। अब बात ये आती है कि यहाँ पर कंप्यूटर के लिए हम कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो इसके लिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आए हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर का 0 से लेकर एडवांस लेवल तक सभी कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। और वो भी आपका जो कोर्स आया हुआ है वो मध्य प्रदेश विधानसभा की वैकेंसियों को देखकर बनाया गया है, जो उसमें टॉपिक पूछे जाएंगे वही टॉपिक हमने उसमें सिलेक्ट किए हुए हैं। और आप उसमें 25 में से 25 नंबर प्राप्त कर सकते हो, और उसकी जो प्राइस होने वाली है, जो उसकी फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। तो देखिए हमने जो कोर्स लाए हुए हैं आप लोगों के लिए, अब इसका थोड़ा एक हम वो समझ लेते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट इसमें हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए कौन कौन से इसमें टॉपिक आएंगे, जनरली हम समझ लेते हैं। पहला तो हमारे पास दिया है यहां पर देखिए कंप्यूटर यूनिट्स, यहाँ पर फंडामेंटल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, इनपुट आउटपुट यूनिट और अदर डिवाइसेस। यहाँ पर फंडामेंटल हो गया आपका, और आपका इनपुट डिवाइस हो गया, और आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, और मेमोरी हो गया, ये सभी कंसेप्ट आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे दोस्तों। और हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर,
यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, एक छोटा सा कंसेप्ट दे दिया है, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन दोस्तों यहां से केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, सॉफ्टवेयर वो पूरा कवर करेगा। यहां पर कंसेप्ट छोटा सा हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जाके वो पूछेगा आपसे, क्योंकि इतना छोटा यदि वो देगा तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सिंपल इतने नहीं होने वाले हैं। और उसके बाद इसमें एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस का पूरा इसमें सेक्शन पूछा जाएगा। दूसरा इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, उन सभी से हमसे पूछा जाएगा, और इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा। तो ये जो सभी कोर्सेस है वो हम लेकर आए हुए हैं, योगेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर लेकर आए हुए हैं, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए ये हमारा कंप्यूटर का कोर्स है, जो हमारे पास बिल्कुल डेडिकेशन होके हमने उसी के लिए बनाया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के लिए वैकेंसी जो निकली हुई है उसी के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय कंप्यूटर कोर्स 2022, ये जो आपका पूरे 25 अंक एक ही कोर्स में सुनिश्चित करें, आपको 25 में से 25 अंक मिलने वाले हैं, एक भी अंक आपका कटेगा नहीं। और कंप्यूटर इसमें बहुत भूमिका निभाता है, जिस बच्चे का कंप्यूटर अच्छा होगा उसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और इसकी जो फीस है वो हमने कंप्लीट फीस बेटा 199 रखी हुई है, बहुत ही कम फीस है, 199 रखी गई है। और इसमें जो वैलिडिटी आपको मिलने वाली है, 6 मंथ आपको वैलिडिटी मिलेगी, इसमें कितना मिलेगी, 6 महीने आपको वैलिडिटी मिलेगी। ये जो ये कोर्स है आपको कहाँ मिलने वाला है, ये आपका सभी कोर्स ऐप पर उपलब्ध होंगे। कौन से, ये जो कोर्स है वो आपका कहाँ पर मिलेगा, आपको योगेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्ले स्टोर पर जाकर योगेंद्र क्लासेस नाम से सर्च करना है और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको इस कोर्स को ले सकते हो क्लासेस पर। तो दोस्तों ये जो ऑफर, और आपका किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप जिस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज दोस्तों हमने ये आपके लिए वैकेंसी लेकर आए, इस कोर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और इसको ज्वाइन करें और अपनी नौकरी में अपनी सीट रिजर्व करें। थैंक यू।